हम शायद इन्हें हल्के में ले लेते हैं, लेकिन टायर्स किसी भी कार का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यही वो कार और रोड के बीच का लिंक है जिसे पावर मिलने पर हमारी कार सड़क पर चल पाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक टायर में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, one is a tire, one is a tube and one is a rim. There are a lot of parts. Some 2 or 3 or 4. ये तो सही बता दिया आपने, लेकिन क्या आपको पता है कि टायर बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है? रबर, सिंथेटिक प्लास्टिक, मेटल, ट्री, मिल्क एंड रबर, मे बी रबर। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो रबर से बनती है। टायर बनाने में इस्तेमाल होता है रबर, कार्बन ब्लैक, फाइबर, टेक्सटाइल, स्टील कॉर्ड और बहुत से केमिकल्स। चलिए देखते हैं। टायर बनाने के रॉ मटेरियल नेचुरल और सिंथेटिक रबर को ले जाते हैं इस कटिंग मशीन में। इसकी मदद से रबर को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है ताकि बाद में रबर को आसानी से पिघलाया जा सके। इस फैक्ट्री में हर साल 90,000 मेट्रिक टन रबर इस्तेमाल होता है। ये लगभग 18,000 इंडियन हाथियों के वेट जितना रबर है। सबसे पहले ये जाता है मिक्सर के अंदर, जहां इसे कार्बन ब्लैक और कुछ और केमिकल्स के साथ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिक्स करते हैं। यहां से ये मिक्सचर एक शीट की फॉर्म में बाहर आता है। अब ये शीट जाएंगी फाइनल मिक्सर में। जहां शीट को सल्फर और एक्सेलरेटर के साथ मिक्स किया जाता है। सल्फर रबर को हार्ड बनाता है और एक्सेलरेटर से मिक्सिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिसके बाद इन रबर शीट्स को कूल करके स्टैक कर लिया जाता है। इस रूम में स्टील की तारों को कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखते हैं। इन्हीं तारों की मदद से स्टील बेल्टेड रेडियल टायर्स बनेंगे। स्टील वायर्स को इन रबर शीट्स के साथ रोलर्स में प्रेस करके जोड़ा जाता है। रोलर्स में से गुजरने के बाद रबर को स्मूथनेस भी मिलती है और इस प्रोसेस को कैलेंडरिंग कहते हैं। यहां फैब्रिक कैलेंडर को रिक्वायर्ड लेंथ में काट रहे हैं। रबर शीट्स की दो लेयर्स के बीच में फैब्रिक की एक लेयर लगी होती है। ये फैब्रिक बेसिकली रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर को मिलाकर बना है और इससे टायर को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। इसे बॉडी प्लाई कहते हैं। रबर स्ट्रिप्स को इस दूसरे कटर से ये मशीन 24 डिग्री के एंगल पे काट रही है, जिसके बाद एक मशीन दो स्ट्रिप्स को एक साथ एजेस से गर्म करके चिपका देती है। इसे ब्रेकर शीट कहते हैं। साथ ही एक अलग मशीन में रबर शीट को काट कर टायर के थ्रेड और इनर लाइन बनाए जाते हैं। अब टायर का साइड फ्रेम बनाने के लिए रबर को कॉपर वायर पर गर्मी और प्रेशर से चढ़ाया जा रहा है। इस प्रोसेस को एक्सट्रूजन कहते हैं। इसको हम टायर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कह सकते हैं, क्योंकि इससे बनता है टायर का साइड फ्रेम, जिससे टायर को उसका स्ट्रक्चर मिलता है। रबर से लिपटी वायर को ठंडा करने के लिए कूलिंग ड्रम पर भेजते हैं, जिसके बाद इस रबर कोटेड वायर को सर्कुलर शेप में लपेट कर 4 इंडिविजुअल बीड्स में काट दिया जाता है। अब हर बीड को एक एक करके इस मशीन में टायर के साइड फ्रेम को स्ट्रेच करके शेप दी जा रही है। इसे एपेक्स भी कहते हैं। एक रोबोटिक आर्म इस साइड फ्रेम को उठाकर यहां इस डमी टायर पर रख देती है, जहां से साइड फ्रेम चल पड़ा है टायर का हिस्सा बनने। कंप्लीट टायर को शेप देने का काम 3 पार्ट्स में होता है और ये तीनों पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले एक ड्रम के ऊपर इनर लाइनिंग और साइड वॉल रोल होती है, जिसके ऊपर बॉडी प्लाई की दो लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। ड्रम पर दोनों साइड से रबर को एजेस पर रोल कर देते हैं। इसे हम टायर का स्केलेटन कह सकते हैं, जिसके ऊपर लगाई जाएगी ब्रेकर शीट। यही साथ में एक दूसरी मशीन पर ब्रेकर शीट तैयार हो रही है। पहले ब्रेकर शीट को ड्रम पर गोल आकार में जोड़कर स्ट्रिप्स लगाई जाती है, फिर रोलर मशीन से इस पर थ्रेड्स लगाए जाते हैं। फिर ये ब्रेकर शीट मशीन की मेन यूनिट में पहुंचती है, जहां सभी पार्ट्स को जोड़कर टायर का रूप दिया जाएगा।
एक वर्कर दोनों तरफ साइड फ्रेम्स रखता है, जिसके बाद ये तीनों पार्ट्स एक साथ मशीन में आते हैं। कंप्रेस्ड एयर की मदद से इनर लाइनिंग पर ब्रेकर शीट और टायर के साइड फ्रेम्स जोड़ दिए जाते हैं। और ये लीजिए, मिल गई टायर को उसकी इनिशियल शेप। यहाँ हमने सारे स्टेप्स अलग अलग आपको बताए हैं, लेकिन ये सभी कुछ बहुत स्पीड से मशीन में साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। अब वर्कर इस ग्रीन टायर को निकाल लेता है। ये टायर ग्रीन नहीं है, बट इस स्टेज पर जब इसे अभी पकाना और एक्चुअल शेप देना बाकी है, तो ये ग्रीन टायर कहलाता है। ग्रीन टायर को हैंडल पर फिक्स किया जाता है, जो फिर उसे एक कंटेनर में लगे मोल्ड पर चढ़ाता है। ये देखिए, मोल्ड के अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहां इसे मोल्ड की मदद से ट्रेड्स भी दिए जाएंगे। 200 डिग्री सेल्सियस पर 13 मिनट तक स्टीम की मदद से टायर को पकाया जाता है। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। इससे रबर को हार्डनेस मिलती है और ऑलमोस्ट मैजिकली धुएं के इफेक्ट के साथ ये टायर बनके रेडी हो गया है। अब ये टायर्स गाड़ियों पर लगकर जमीन पर भागने के लिए एकदम तैयार हैं। इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 2010 से, और तब से लेकर अब तक यहाँ 2 करोड़ कार के टायर्स बन चुके हैं। यानी कि सड़क पर चल रही 50 लाख गाड़ियों के टायर यहीं से गए हैं। आपने कभी सोचा था कि जिस टायर को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसे बनाना कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है?